दोस्तों, आपने मंदिर के दर्शन कर लिए। अब मैं आ चुका हूँ मंदिर के जस्ट पीछे। देख सकते हैं, यह है शंकराचार्य मूर्ति। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर दोस्तों। जो यात्री मई या जून में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास बार बार कमेंट आ रहे हैं क्या 10 तारीख को केदारनाथ यात्रा बंद रहेगी। और उसी के साथ बहुत से यात्री ये पूछ रहे हैं कि जब हम गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो हमें दुकानें प्रॉपर मिलेंगी, खुली हुई मिलेंगी, क्या क्या हमें आने वाली परेशानी आ रही है दोस्तों। क्योंकि यात्री बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे ट्रेंड हो रहा है कि 10 तारीख को 10 मई को केदारनाथ यात्रा, जितनी दुकानें वो बंद रहेंगी और यात्रा भी बंद रहेगी दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो यात्री मई वाले महीने में आ रहे हैं या फिर जून वाले महीने में आ रहे हैं, वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लेकर आएँ। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हैवी ठंड है यहाँ पर और रात को माइनस में टेम्परेचर जाता है। जी हाँ दोस्तों, रात को टेम्परेचर माइनस में जाता है और बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है दोस्तों। और लगातार कई दिन से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बिगड़ रही है दोस्तों। और अपने साथ रेनकोट या छाता ज़रूर लेकर आएँ दोस्तों, क्योंकि लगातार बारिश है। कल भी लगातार बारिश पड़ रही, 4-5 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है और आप देख सकते हैं कुछ मौसम खुला हुआ है। और ये भी गारंटी नहीं है ये कितनी देर तक खुला हुआ होगा दोस्तों। देख सकते हैं, और पहाड़ों पे आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, ये चारों ओर बर्फ़ है। ठीक दोस्तों, अपने साथ आप रेनकोट, छाता और गर्म कपड़े, ग्लव्स और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर आएँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि 10 तारीख को केदारनाथ यात्रा बंद रहेगी या नहीं। दोस्तों, यात्रा बंद बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन जो केदारनाथ की जो मार्केट है और गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक आपको दुकानें बहुत कम खुली हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अभी तक कोई परमिशन नहीं मिली है और हड़ताल है 10 तारीख की, 10 मई को हड़ताल है। इसलिए आपको अपने साथ खाने की भी चीज़ें लेकर आना होगा दोस्तों, पानी की बोतल और खाने की चीज़ अपने साथ लेकर आएँ जब आप गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा करें दोस्तों। क्योंकि आपको एक तो महंगा, इतना महंगा मिलेगा कि पूछो मत। एक पानी की बोतल आपको 80 से 100 रुपये मिलेगी, चिप्स के पैकेट कम से कम 50-60 रुपये में, बहुत ज़्यादा महंगा है दोस्तों। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने साथ चिप्स, बिस्कुट, पानी की बोतल इन्हें अपने साथ लेकर आएं दोस्तों, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा महंगा है और दुकान आपको बहुत मुश्किल मिलेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत मुश्किल मिलने वाली है आपको दुकानें, और 10 तारीख को स्ट्राइक भी है, इसलिए आपको सोच समझ कर अपना जो सामान है वो लेकर आएँ। ठीक है दोस्तों, यात्रा बंद नहीं रहेगी, दर्शन करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट आपको बंद मिलेगी, ये 100% है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं जिन्होंने अपनी बुकिंग कर ली है वो क्या करें। देखो, जिन्होंने अपनी बुकिंग कर ली है वो होटल में रुकेंगे, उनको खाना ही मिलेगा, क्योंकि जो जिस होटल में वो रुके हैं वो उनसे बात कर लेंगे और वो होटल वाले खाना देंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाँ तैयारी क्या चल रही है दोस्तों। देख सकते हैं आप, ये तैयारी है, बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा लगातार। जितनी यहाँ पुरानी बिल्डिंग थी, जितने आपके यहाँ होटल थे, वो सबरे तोड़ दिए गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बनानी बिल्कुल अलाउ नहीं है। हम ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम चल रहा है दोस्तों। ये देखिए, ठीक, जो मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है कि गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ, खाना अपने साथ लेकर आएँ, चिप्स बिस्कुट जो रास्ते में, पानी की बोतल अपने साथ लेकर आएँ, गर्म कपड़े हो गए वो अपने साथ ज़रूर कैरी करें दोस्तों। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्क। देखो दोस्तों, यहाँ मैं खड़ा हूँ मंदिर के पीछे, बिल्कुल 5G आ रहे हैं जियो के, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क बिल्कुल बढ़िया आएंगे, एक नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे दोस्तों। आपको कुछ और दिखाते हैं, कुछ और बढ़िया चीज़ दिखाते हैं